आपकी सफलता हमारा प्रयास। जी हाँ, CUET 2022 की प्रिपरेशन के लिए आप सफलता प्राप्त करें, हम निरंतर ऐसा प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको CUET 2022 की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस और नोट्स दोनों फ्री में किस फॉर्म में मिलेंगे? PDF फॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को BSc के केमिस्ट्री का सिलेबस बताने जा रहे हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, BSc बायो, BSc मैथ, BSc AG, आप किसी भी स्ट्रीम में अपना मतलब कि एडमिशन कराएंगे तो उसमें केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना पड़ेगा इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। जो सिलेबस मैं बताऊँगा उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल Scope 360 पर आज ही और तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता भी है कि जो यहाँ पर सिलेबस पूछा, मतलब कि जो सिलेबस है वो क्लास 12th का ही है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का जो यहाँ पर पहला चैप्टर है, कुल 13 चैप्टर या फिर कहिए 13 यूनिट हमारे मतलब क्लास 12th के केमिस्ट्री में मतलब निर्धारित है। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, जिसे हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। इसमें ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जिससे CUET में क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, तो मैं आपको बता दूं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड से आपके रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। फिर दूसरा यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि क्लोज पैकिंग मतलब निविड संकुलन, जो आपका जो सॉरी इसके पहले यूनिट सेल मतलब कि एकक कोष्ठिका, जिसमें मतलब कि आपका सरल एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका, ये सारा चीज़ यहाँ पर आपका आएगा। क्रिस्टल जालक आपका आएगा, जो 7 प्रकार का ब्रेवेज जालक होता है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और निविड संकुलन तो मैंने आपको बताया इम्पॉर्टेंट है। फिर बिंदु दोष जो है आपका, उसमें आपका शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष, ये इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, फिर ठोसों का जो है चुंबकीय गुण, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा और हमारा चैनल आपकी तैयारी ज़रूर कराएगा। फिर आ जाती है बात विलयन की, तो विलयन को अंग्रेजी में सल्यूशन कहते हैं। तो सल्यूशन में जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर हम आपको बताएं मोटा मोटा चीज़, तो हेनरी का नियम आपको पढ़ना पड़ेगा, राउल्ट का नियम पढ़ना पड़ेगा, और जो है वांट ऑफ गुणांक को अच्छे समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको जो कॉन्सेंट्रेशन के मेथड है मतलब सांद्रता की विधियां हैं, जिसमें आपको मतलब द्रव्यमान मतलब सांद्रता जो है मतलब मास कॉन्सेंट्रेशन, आपको वैल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, और आपको मास वैल्यूम कॉन्सेंट्रेशन मतलब भार आयतन प्रतिशतता, इसके अलावा PPM में सांद्रता, PPB में सांद्रता। ठीक है, इसके अलावा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये सारी चीज़ें आप सभी को डिटेल में समझनी होंगी। ठीक है, इसके अलावा राउल्ट के नियम मैंने पहले ही बता दिया। इसके अलावा विलयन के असमान गुणधर्म आपको सीखने होंगे, इसी में मतलब कि आपको झिल्ली पढ़ना है, अर्ध पारगम झिल्ली मतलब सेमी परमेबल मतलब मेम्ब्रेन्स आपको समझना होगा, उसको परासरण दाब समझना होगा, परासरण और विसरण में नियम, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको विलयन में पढ़ने ही होंगे। ठीक है, आ जाती है बात वैद्युत रसायन की, तो वैद्युत रसायन को हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इसमें जो है वैद्युत रसायन के जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है उन सारी चीज़ों को समझना होगा। जैसे यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीख सकते हैं इसके। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सेल है, सेल के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जो केमिकल सेल होते हैं। ठीक है, और सेल से कैसे एनर्जी प्राप्त करते हैं वो आपको जानना होगा। नस्ट इक्वेशन आपको पढ़ना होगा इस चैप्टर में, फैराडे का नियम पढ़ना होगा, और साथ ही साथ जो सक्रियता श्रेणी होती है धातुओं की, जो एक्टिविटी सीरीज होती है मेटल का, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, फिर आती है बात रासायनिक बलगतकी की, तो रासायनिक बलगतकी में भी आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करूँ तो रासायनिक बलगतकी मतलब कि यहाँ पर शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया, मतलब द्वितीय कोटि की अपक्रिया, तृतीय कोटि की अपक्रिया, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ना है, इसकी यूनिट के बारे में पढ़ना है, इसकी न्यूमेरिकल पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर जो है अपक्रिया का संघटवाद, जो कोलिजन थियरी है, ये आपको समझना है, सक्रियण ऊर्जा समझना है। ठीक है, ये यहाँ पर आप सबको समझना है। आभासी मतलब एकाणुक अपक्रियाएँ जो है मतलब छदम अपक्रिया जिसे बोलते हैं, सुडो यूनिमालिकुलर रिएक्शन जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, अपक्रिया की कोटि और मतलब कि घात तो आप सभी को समझना ही है।
सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन को तीन भाग में बांटा जाता है, एक आपका पृष्ठ रसायन होता है, दूसरा आपका मतलब कि कोलाइडी विलयन, और एक आपका यहाँ पर मतलब कि उत्प्रेरण से रिलेटेड है। तो इन सारी चीज़ों में जो भी डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कोलाइडी विलयन मान ले तो पेप्टीकरण है, मतलब अपोहन है, विद्युत अपोहन है, उसके बाद टिंडल प्रभाव है, मतलब कि उसके बाद जो है विद्युत कण संचलन है, इसके अलावा आपको यहाँ पर ब्राउनी गति मतलब पायास है, ठीक है, तो साबुन का जो मतलब कि मिसेल है, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको सरफेस केमिस्ट्री में मैं आपको समझाऊंगा। पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक के बारे में जो है मतलब यहाँ पर आपके चार परिवार मतलब कि क्लास 12th में है, जिसमें मतलब कि आपका पहला है नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, मतलब उसके बाद फ्लो मतलब कि हैलोजन और अक्रिय गैसें। अब इसमें मेन कंपाउंड पढ़ना है, जैसे अमोनिया के बारे में पढ़ना है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ना है, H2SO4 के बारे में पढ़ना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट करूँगा सारी चीज़ बताऊँगा। या फॉर डी ब्लॉक में भी आपको ऐसे पढ़ना है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट मतलब कि अगर कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर जो है KMnO4 K2Cr2O7 के बारे में पढ़ना है, और यह ब्लॉक में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट संकुचन के बारे में पढ़ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उपसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ना, तो यहाँ मुख्य रूप से अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें IUPAC नेमिंग पढ़ना है, उपसंयोजक यौगिक की EAN नंबर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद प्रभावी परमाणु क्रमांक वही होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें चुंबकीय गुण को समझना है, संयोजकता समावयवता इसमें समझना है, और IUPAC नेमिंग तो आपको यहाँ समझना है। इसके अलावा हैलो एल्केन और हैलो एरेंस में पढ़ना है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ना है, सेटजेप रोल पढ़ना है, मर्कोनिकाप का भी नियम यहाँ पर लगता है उसको पढ़ना है, इनकी मतलब कि SN1 SN2 अपक्रिया यहाँ पर समझनी है। फिर एल्कोहल फिनॉल ईथर में वही मतलब कि सबसे पहले इनकी डेफिनेशन, IUPAC नेमिंग, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये यहाँ पर भी लागू होगा, यहाँ पर भी लागू होगा, यहाँ पर भी लागू होगा और यहाँ पर भी लागू होगा, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका बायो मालिक्यूल्स में आपको मतलब प्रोटीन पढ़ना होगा, विटामिन पढ़ना होगा, ठीक है, और आपका न्यूक्लिक एसिड पढ़ना होगा यहाँ पर, इसके अलावा पेप्टाइड लिंकेज पढ़ना होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी होगी। और इसके अलावा यहाँ कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ना होगा, जिसमें मतलब ग्लूकोस एंड फ्रैक्टोस के बारे में आप सभी को यहाँ पर जानना होगा। इसके अतिरिक्त भी चैप्टर हैं, जैसे इसके अतिरिक्त आपका पॉलीमर का चैप्टर है, बहुलक का चैप्टर, उसके बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और लास्ट में जो है दैनिक जीवन में रसायन मतलब कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी आपको जो है यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं सारा चीज़ अपने चैनल पर एकदम फुल्ली अपलोडेड करने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और फ्रेंड्स में भी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।